पंजाब केसरी ग्रुप के प्रधान संपादक पद्मश्री विजय चोपड़ा की धर्मपत्नी स्वदेश चोपड़ा की सातवीं पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार सहित कई अन्य राज्यों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर हजारों लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसी कड़ी में सारण जिले के जलालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित शिवम पैथो लैब परिसर में सैकड़ों लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच किया गया। मेगा स्वास्थ्य जाँच शिविर का विधिवत शुरुआत स्थानीय प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मुन्ना भास्कर, डॉक्टर किरण कुमारी समेत कई गणमान्य लोगों ने फीता काटकर किया। विधिवत उद्घाटन के बाद मृतात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर पंजाब केसरी ग्रुप के प्रधान संपादक पद्मश्री विजय चोपड़ा की धर्मपत्नी स्वदेश चोपड़ा को नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसके बाद उपस्थित बुद्धिजीवी एवं गणमान्य लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित जाँच शुरू किया गया। जितने लोग आए उन सभी का स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवा भी निःशुल्क दिया गया। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मुन्ना भास्कर ने बताया कि जलालपुर प्रखंड मुख्यालय के सामने शिवम जांच घर में पंजाब केसरी समूह के प्रधान संपादक पद्मश्री विजय चोपड़ा की धर्मपत्नी स्वदेश चोपड़ा की सातवीं पुण्यतिथि के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। किसी मीडिया संस्थान के द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में करना अपने आप में सराहनीय कदम है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र इनसे अछूते ही रहता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक महीने किया जाए तो गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सकता है। मन में खुशी भरी कि चलिए कम से कम इस कैंप के माध्यम से कुछ लोगों को जागरूक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि आजकल के जमाने में जो बीमारियां बढ़ रही है, जैसे बीपी शुगर, प्रथम संदेश जाता है कि बीपी और शुगर, तो उसके लिए हम लोगों ने कैंप लगाया कि लोग बीमारी से मुक्त कैसे रहें, लोग सुरक्षित कैसे रहें। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि बीपी शुगर वाले भी लोग थे जिन्हें हम लोगों ने सलाह दिया, लेकिन ये कैंप लगा इसको यूँ कह सकते हैं कि नॉट ओनली पेशेंट बट ऑल्सो होल द पीपल केयर ऑफ आवर बॉडी नाउ दिस टाइम दिस सिचुएशन, खान पान को कैसे कंट्रोल करें और किस तरह से हम सुरक्षित रहें, किस तरह से निरोग रहें, यह हम लोगों ने देखा बताया। हमारी काफ़ी संख्या में बच्चियों ने भी भाग लिया, जिसमें कि हम लोगों ने इन लोगों को भी एक सलाह दिया आगे भविष्य में कैसे निरोगी रहें। साथ साथ इन लोगों का ब्लड ग्रुप भी चेक करके हम लोगों ने बताया। साथ में हमारी किरण कुमारी जो है, इन्होंने भी बहुत सहयोग दिया और हमें बहुत खुशी हुई इस कैंप में आकर के सहभागी बनने का। पता है आज जो मेडिकल कैंप में बहुत सारी महिलाएं युवतियाँ जांच कराई, अपना जांच में उनका बीपी ज़्यादा करके लो दिखा गया, इसको लेकर क्या संदेश देंगे उन्हें? सबसे पहले माई सेल्फ प्रकृति सिन्हा, एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल के जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है और वुमेंस के लिए जो होता है ब्लड प्रेशर की दिक्कतें होती हैं, तो इस वजह से होती है क्योंकि लाइफस्टाइल उनका अच्छा नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर रहता है, हाइपरटेंशन होता है उन्हें, तो बेसिकली ये साल्ट के आयोडीन की कमी की वजह से होता है हाइपरटेंशन होने लगती है और डायबिटीज मेलिटस, जैसे कि आप लोग जानते हैं डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, तो एक जेनेटिक्स फैलता है और दूसरा जो होता है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। और मतलब हमारे पेनक्रियाज जो होता है वो 2 तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है, फर्स्ट जो होता है ग्लूकागोन होता है एंड सेकेंड जो होता है वो इंसुलिन होता है, तो जब इंसुलिन की कमी होगी बॉडी में तो डायबिटीज होगा। अक्सर वुमेंस जो होती है उन पर ज़्यादा लोड होता है, ज़्यादा टेंशन होती है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है वो हमेशा वुमेंस को सपोर्ट करे। मैं रामेश्वर राय भूतपुर शहरी, आपकी चैनल पंजाब केसरी का धन्यवाद देता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी आज कुछ कहने का मौका मिला जिससे जनता जागरूक है। वैसे दूसरी बात है कि श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी का श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, ये हमारी शुभकामना है। अभी जो यहाँ पर कैंप लगी है, मुख्य भूमिका हमारे सीएम का चल रहता है, जिनसे काफ़ी लोगों को जानकारी मिला और मन में जागरूकता प्राप्त हुआ कि स्वास्थ्य संबंधी सब कुछ सचेत रहे। यहाँ पर निःशुल्क सेवक के तौर पर हमारे डॉक्टर साहब भास्कर साहब हैं, डॉक्टर किरण कुमारी हैं, बाकी जनता जनार्दन आए थे, सब अवगत हुए यहाँ से और बहुत खुशी हुई कि आप लोग ने एक कैंप लगाया। बहुत लोग अभी भी कमी है कि स्वास्थ्य की जागरूकता संबंधी में,
हेल्थ बी वेल की जनता को जागरूक करना आपका कर्म कर्तव्य आपने निभाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण कुमारी ने बताया कि पंजाब केसरी समूह के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना सार्थक पहल के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि अमीर हो या गरीब हर किसी को स्वास्थ्य जांच व उपचार जरूरी होता है। इस अवसर पर संवाददाता रंजीत कुमार, रामनगर नूरनगर के सरपंच संजय राम, अमर कुमार यादव, संजीव कुमार, अमित कुमार, अजीत कुमार, अरविंद कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता मोहन शर्मा, लक्ष्मण राय, नितेश कुमार, शैलेंद्र कुमार सहित दर्जन लोग मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।